रेडियो सिटी 91.1, मेरा नाम है दिव्या और मेरे साथ डॉक्टर सुरभि। अब 9 दिनों में देवी की तो पूजा हम रज के करते हैं, लेकिन वो जो मिथ है, वो जो मन में शंकाएं हैं कि पीरियड्स होते हैं, लड़की किसी काम की नहीं, साइड में बिठा दो, ये वाले जो मिथ है इनको भी बस्ट करने हैं। 9 दिन है ना, तो मैं 9 मिथ बस्ट करूंगी। जब लड़की डाउन होती है तो उसे आचार या खट्टी चीजें छूनी नहीं चाहिए। पहले जमाने में क्या होता था कि पहले छोटे छोटे कस्बे या गांव होते थे और उसके आसपास जो भी खेती होती है, मेरे पास खाने का वही साधन था। या मुझे व्यापार के लिए 4-5 दिन जाना है बाहर, तो मेरे को ऐसा क्या मिले कि जिसे मैं जो जल्दी खराब ना हो, तो जितना भी खाना, जो भी सब्जियां या फल लगते थे, उसको अचार की फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता था। आज जैसे प्रिजर्वेटिव तब नहीं थे, तो उस वक्त अगर हमने कुछ प्रिजर्व किया हुआ है, रखा है, और हाइजीन इतनी अच्छी नहीं थी पहले जमाने में, क्योंकि लड़कियों को नहाने सर धोने भी नहीं दिया जाता था उनको घर से बाहर, क्योंकि कुएं, तालाब, पानी और नदी में जाना है, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था ना हाइजीन को मेंटेन रखना। तो उनकी हाइजीन, ब्लड अगर आसपास लगाए तो बैक्टीरिया, जो कीटाणु है, वो आपके आसपास ज्यादा पनपते हैं। तो अगर वो लड़की उस अचार को हाथ लगाती थी तो वो सच में खराब हो जाता था। लेकिन आज जब आप देखते हैं कि अगर हाइजीन प्रॉपर है, सबने अचार छू के देखा है, सच में ये बात अपने दिल में पूछ के देखिएगा, ज्यादातर लोग अचार छूते हैं और खराब नहीं होता, क्योंकि पाप का नाम इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन को मेरी हाइजीन ने मार दिया है। अब पाप है ही नहीं, तो इसलिए अचार खराब ही नहीं होता। लड़का भी अगर छुएगा गंदे हाथों से तो अचार खराब हो जाएगा, इसका पीरियड से कोई लेना देना नहीं। बाल धो सकते हैं अगर हम डाउन है, बहुत लोग नहीं धोते। बाल धोने के पीछे भी प्रथा यही थी कि उस समय, जैसे मैंने बताया, नहाने या धोने के लिए घरों में बाथरूम नहीं थे, तो एक गांव के बीच में कोई तालाब बना दिया जाता था जहां पे लोग नहाने धोने जाया करते थे। अब महिलाएं वहां नहाने जा रही हैं, जिन दिनों पीरियड्स आते हैं तो बच्चेदानी, गर्भाशय, यूट्रस का मुंह खुला हुआ होता है ब्लड आने के लिए। अगर रुका हुआ पानी जिसमें सब नहाते हैं वो इतना साफ नहीं हो सकता कि उससे बीमारियां ना फैलें, वो यूट्रस के अंदर जाएगा तो बीमारियां आएंगी। लोगों को सेप्टिक होता था, बीमार पड़ते थे, मरने भी लगे, तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद कोई भूत या प्रेत चिपक जाता है जब लड़की नहाने जाती है। वैसे तो बीमार नहीं होती, लेकिन नहाने जाती है तो रास्ते में कुछ हो जाता है, बीमार हो जाती है, लड़कियों का नहाना बंद कर दिया। आज हम तालाबों में नहीं नहा रहे हैं, नल से पानी आता है, हम नहाते हैं और वो पानी सारा नाली में जाता है जो रीयूज नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट वाटर में नहीं नहाते हैं। आज सब नहाते हैं, सब सर धोते हैं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारी हाइजीन ने, हमारी साफ सफाई ने इस पाप को भी मार दिया। मूवमेंट नहीं करनी चाहिए हमें ना, भागा दौड़ी, चलना फिरना नहीं करना चाहिए जब हम डाउन होते हैं। पहले वाले जमाने में जब हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे जैसे आज पहनते हैं, तो सिला हुआ कपड़ा नहीं होने की वजह से, जैसे अगर आप याद करेंगे महाभारत में द्रौपदी क्या पहनती थी, अशोका में कैसे लोग कपड़े पहनते थे, सिर्फ लपेटने के लिए होता था, यहाँ गांठ बांधी, यहाँ पे गांठ बांधी, या फिर आपने कुछ दुपट्टा जैसा ले लिया। लड़के भी उसी तरह से धोती में गांठ बांध के पहनते थे, सिला हुआ कपड़ा नहीं था। सिले हुए कपड़े के बिना आप सिलाई के बिना पैंटी तो बना नहीं सकते, पैड का या कपड़ा जो भी लगाओगे कैसे लगाओगे, तो ब्लड ड्रिप करता था, नीचे सारे में जाता था। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए तरीका यही था कि लड़कियों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दो, उनका घर में घूमना फिरना बंद कर दो, उनको एक ऐसी जगह में रखो जहां से कि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, और ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे रेत या राख डालते थे जिससे कि ब्लड फैले ना और लोग बीमार ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 4, तुलसी में जल नहीं देते अगर हमें पीरियड है। तुलसी का पौधा इतना सेंसिटिव होता है कि सर्दी में आपको उसके ऊपर कपड़ा बांध के रखना पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि जब एक लड़की जिसको पीरियड्स हो रहा है, जिसकी हाइजीन प्रॉपर नहीं है, उसके आसपास इन्फेक्शन है, अगर वो उसको पानी देगी तो तुलसी के पौधे के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते थे बनिस्पत नॉर्मल लोगों से। तो वो एक कारण था जिसकी वजह से उन्होंने सोल्यूशन ढूंढा कि ठीक है, लड़कियों को पीरियड्स के समय तुलसी में पानी नहीं देना चाहिए। तो उस समय के हिसाब से जो ठीक था वो आज आप डाल के देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। रसोई घर में नहीं जाना अगर आपको पीरियड्स। जैसे पहले मैंने बताया कि रसोई घर में जाने के लिए, अब मैं अगर मुझे पीरियड्स है और मैं एक पुराने जमाने की लड़की हूँ जिसमें जिस वक्त ये सब फैसिलिटी नहीं थी, पैड नहीं था, पैंटी नहीं थी, मैं खाना अगर बनाती हूँ तो मेरे आसपास ब्लड निकल जाएगा। अब खाना बनाने की चीजें रखी है, मक्खियां, मच्छर सब कुछ है, कीटाणु हवा में है, वो ब्लड में पनपने लगे तो खाना कुछ देर में खराब हो गया। लोगों को लगा कि जब रूटीन में खाना बनाती है तो खराब नहीं होता, लेकिन पीरियड्स में बनाती है तो खराब हो जाता है। तो उनको लगा कि शायद भगवान नहीं चाहता कि पीरियड्स में खाना बनाना चाहिए, तो लड़कियों का किचन में जाना बंद कर दिया। आज जब पैड लगाते हैं, पेंटी यूज करते हैं, एक ड्रॉप भी कहीं नहीं गिरता है। आप कुछ भी करिए, कुछ भी खराब नहीं होता, क्योंकि उस पाप को भी हमारी हाइजीन ने खत्म कर दिया। कपड़ा यूज कर सकते हैं या सिर्फ पैड्स यूज करना है, एंड वाइस वर्सा, ओ माय गॉड मैं तो पैड नहीं यूज करूंगी, कपड़ा यूज करना है। देखिए, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, आपका जो मन करे यूज करिए, मेन बात है कि साफ सफाई से रखें। आप कपड़े को इस्तेमाल करके छाए में सुखाएंगे, 2 कपड़े और सुखा के आएंगे, तो उसमें तो इन्फेक्शन कभी मरेगा ही नहीं, क्योंकि वो इन्फेक्शन तो तभी जब तेज धूप लगेगी तभी तो कीटाणु मरेंगे। तो अगर कपड़ा भी इस्तेमाल करें, सॉफ्ट कपड़ा इस्तेमाल करें जो आपको नुकसान नहीं दे रहा है, तो आप धो के सुखा के उस कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा महंगे पैड होंगे तभी आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आजकल रीयूजेबल पैड्स भी आने लगे जिनको आप धो के इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप टैम्पून्स इस्तेमाल करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं
बस प्रॉब्लम क्या है कि हम शर्म की वजह से पूछते नहीं, जो दिखता है बस उसी को चुपचाप अपने पर्स में छुपा के डाल के ले आते हैं। पैड, कपड़ा, टेम्पून, कप्स कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, बस साफ सफाई का ध्यान रखिए, 6 घंटे में उसको बदल लीजिए और अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें। मेरी बेटी की हाइट रुक जाएगी क्योंकि वो डाउन हो गई है, ऐसा होता है हाइट रुक जाती है? ये बहुत बड़ा मिथ है, सारे बच्चों से जब मैं क्लास में पूछती हूँ वो यही बोलते हैं, मैम हाइट पीरियड्स इसलिए बुरे लगते हैं कि जब तो हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो दिमाग में प्रोग्रामिंग है कि आपकी जो स्टेप वाइज हो रहा है कि आपकी कब आपकी ब्रेस्ट ग्रो करेंगी, कब आपके आर्मपिट में हेयर्स आएंगे, कब आपकी हाइट बढ़ेगी, सब कुछ की प्रोग्रामिंग हो चुकी है ऑलरेडी, हमारे हार्मोन्स ने सब कुछ डिसाइड कर लिया। पीरियड्स वाले हार्मोन और लंबाई वाले हार्मोन में कोई झगड़ा नहीं है, वो दोनों अपना अपना काम उसी तरह से करते हैं, तो इसमें डरिए मत, पीरियड्स आने से लंबाई का कोई लेना देना नहीं है। लंबाई करती है आपकी पीढ़ियों पे, आपके खाने पीने पे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, ना कि पीरियड्स पे। कुछ ऐसी बातें और हैं जो आपने सुनी हो जो शेयर करना चाहो और कहो कि बस करो अब इनको भूल जाओ? सच में जब जाते हैं तो बड़ी सारी चीजें सुनने को मिलती है कि मैम पीरियड्स में खट्टा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, क्या हम मेकअप नहीं करना है, लड़कों को नहीं छूना होता है। मतलब कई बार लगता है कि जैसे एक बार आप ही भी बोल रहे थे ना कि मर जाओ क्या पीरियड्स हो गए तो, कि वाकई यार ऐसा क्या पाप कर दिया है। मतलब इतनी छोटी सी बात समझ लीजिए कि अगर लड़कियों को पीरियड्स नहीं होंगे तो ये रिप्रोडक्शन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी और एक दिन खत्म हो जाएंगे हम डायनासोर की तरह से। अगर आज हम इंसान को धरती पे देख पा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़कियों को पीरियड्स होते हैं और उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है। और क्योंकि मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये 9 दिन बहुत खास है, 9 दिन बहुत पूजाएं हुई हैं, हमने सेलिब्रेशंस किए हैं, क्या मैं मंदिर जा सकती हूँ, क्या मैं पूजा कर सकती हूँ अगर मुझे पीरियड्स हैं तो? मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि आज इतनी सारी चीजें बनाई जाती है कि लड़कियों को ये याद दिलाया जाता है कि आपका सम्मान होना चाहिए, आप देवी हो सम्मान होना चाहिए, गर्ल चाइल्ड है सम्मान होना चाहिए। जिस दिन लड़की अपना सम्मान करना सीख जाएगी सब बंद हो जाएगा। अपने आप से पूछिए क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेरे किसी पाप की वजह से हुआ, अगर नहीं तो इस नवरात्रि खुद को सम्मान देना शुरू कीजिए, मंदिर में जरूर जाइए, पूजा जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कहने का मतलब सिंपल है कि देखिए 9 मिथ्स हैं ये क्या कहते हैं मिथ्स को हिंदी में, मिथ्या, ये वो 9 मिथ्या है जिन्हें दूर करना थोड़ा सा जरूरी है। भाई देखो पीरियड में हो या ना हो, खुल के सांस तो ले रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही जीना चाहती हूँ। अगर पीरियड्स हैं तो भी एक्सेप्ट करो, नहीं है तो भी एक्सेप्ट करो और हर दिन को सेलिब्रेट करो। पैड यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर सुरभि के साथ जुड़ने के लिए, दिव्या के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मेक श्योर कि अगर आपके घर में एक डॉटर है उसको पीरियड्स हैं तो उसकी जिंदगी में ना सक्सेस में कहीं कोई रोक टोक ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।